हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? और आज मेरे घर में बहुत दिन से फेस्टिवल हो गया था ना, तो बहुत हेवी खा रहे थे। तो ऐसे आज लगा ना कि लाइट सा चावल दाल भुजिया खाते हैं, तो पकौड़ा का भी कुछ कुछ रखा हुआ था, तो हम चलो मिक्स करके बना ही देते हैं। आज बनेगा मिक्स पकौड़ा, जल्दी बन जाएगा। कैसे बनेगा भगवान जाने। हम बेसन कम डाले हैं, ये बाइंड नहीं हो रहा है क्या? नहीं, तो थोड़ा और डाल दो। दो तो फेस्टिवल के बाद हेवी एकदम खाने का मन नहीं करता है, तो मैंने वही भुजिया वगैरह बनाया था, लेकिन मैंने आलू का भुजिया थोड़ा जला ही दिया था। मैं फ़ोन पे बात करने लगी थी कुछ, और तब तक मेरा भुजिया जल भी गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने रैंडम से ये सारी चीज़ें बनाई थी और मुझे यही खाने का मन था, और थोड़ा सा पकौड़ा मैंने बस छान दिया था, क्योंकि ऑलरेडी इसकी कटिंग चॉपिंग वगैरह करके ऑलरेडी ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो यही सब बनाया और यही लंच किया, लेकिन बहुत टेस्टी लगा। बहुत ज़्यादा ऑयली खाने के बाद ये सारी चीज़ें खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके हरी चटनी। ठंड में हरी चटनी का मज़ा ही अलग है। अगर मुझे कुछ ना मिले, सिर्फ चावल दाल और हरी चटनी धनिया पत्ता वाली मिल जाए ठंड में, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा खाना कम्प्लीट हो गया है। हेलो टू एवरीवन। तो शाम हो गई और हम मार्केट चले गए थे, हम शूट नहीं किए, एकदम से हम शूट नहीं कर पाए। और हम आए और यहाँ का बेडशीट वगैरह हम सब चेंज किए। हाँ, अब दूसरा लेके आना पांच का, ठीक है? ठीक है, क्या हो गया? इसको ले जाकर रखो ना उसको अपने। सो हम पैर धोने चले गए थे, मेरे को इतना ज्यादा हमको इतना ज्यादा डस्ट लग रहा। अब हम समझ में आया क्यों, क्योंकि क्रैकर्स वगैरह इतना ब्लास्ट हुआ है इस बीच में ना, ये दिवाली के दो तीन दिन से कंटिन्यू, अब दिवाली के दो दिन आगे से, कि पूरे घर में हमेशा हम लोग खिड़की वगैरह खोल के रख रहे थे, शाम में दिया वगैरह जला रहे थे, तो दरवाज़ा वगैरह हमेशा तीन चार घंटे खुल। तो वही हम बोल रहे थे कि मेरे को ना हल्का सा डस्ट जैसा पैर में लग रहा है, पैर में। अब पता चला है कि वो क्रैकर्स का था, और बोबो भी नीचे जा रहा था, तो उसका पैंट वेंट उनको बहुत गंदा लग रहा था, और उसका स्लीपर वगैरह, तो वही पता इस पर नीचे उड़ गए। हाँ, और वहाँ बैठ के इसको पहले पोछो, ठीक है? और बोबो को हम बोले पैर धुल के आओ, हैंड धुल ले अच्छे से, एकदम रगड़ के पोछो। मेरे को इतना प्रॉब्लम है डस्ट से, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है हाथ धुलना चाहिए, और उसके बाद ऑयल लेके आओ, पैर में हाथ में लगाएंगे, ठीक है? हम भी, और बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम बोबो को बोले धुल के। बोबो को भी मैंने पैर हाथ धुलवा के मैंने बोला सबसे पहले कपड़े चेंज करो, क्योंकि ये सूखा भी नहीं है अच्छे से कपड़े वगैरह, तो इसको क्रैकर्स का जो भूत चढ़ा है ना, प्यासा लग रहा है, सभी क्रैकर्स भी ब्लास्ट करेगा और कपड़े में भी क्रैकर्स जो तुम ब्लास्ट करके आए हो, तुम्हारे पूरे कपड़े में भी है। तो फिर वो मेरी बातें पहले मजाक में ले रहा था, उसको लग रहा था कि हम उसको बस जोक कर रहे हैं, लेकिन बाद में मैंने बहुत तेज डांटा, तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि मम्मा बहुत तेज गुस्सा हो गई है। और फिर उसको यौन करने लगा, आजकल छुट्टियां चल रही है ना, तो बच्चों की मस्ती कुछ ज्यादा ही चल रही है। जल्दी से उसको डिनर वगैरह करा दिया। हेलो टू एवरीवन। बोबो रात में मोबाइल देख रहे थे, रात में अभी हो रहे हैं 11:45, तो हम लोग तो खाना वाना खा के बेड पे चले गए थे, और बोबो खिला दिए थे, फिर हम और बोबो बहुत कुछ देखे और बहुत चाउमीन देख खाने का मन करने लगा। तो यहाँ पे चाउमीन हम बॉईल कर लिए, फटाफट से बना देते हैं। यहाँ पे प्याज कैप्सिकम वगैरह से वेजिटेबल्स कट कर दिए, ढेर सारा वेजिटेबल डाल के हम चाउमीन बना रहे हैं। और रात में हम लोग कहेंगे अब ठंडियाँ शुरू हो गई ना, अब रात को ये सब बहुत खाने का मन करेगा, तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं और फिर आपसे शेयर करेंगे तीखी वाली चाउमीन। इतनी रात में मैगी या चाउमीन बना के खाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मोबाइल देखते देखते ऐसे बार बहुत बार होता है ठंडियों में हम बनाने लगते हैं। कैसा बना है भाई, कैसा बना है? बहुत तुम्हारा को कैसा? पहले ऐसे करके, फिर ऐसे करते हैं। बहुत अच्छा बात